हेलो दोस्तों, जैसा कि हम पिछली कुछ वीडियो में सीबकथॉर्न और सीबकथॉर्न के प्रोडक्ट के बारे में बात करते आ रहे हैं और उनके फ़ायदों के बारे में आपको फुल नॉलेज देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीबकथॉर्न के उस प्रोडक्ट के बारे में जिसे आज के समय में सबको ज़रूरत है। दोस्तों, हर इंसान उसको यूज भी कर सकता है और बहुत सी बीमारियों से बच भी सकता है। दोस्तों, बीमारियाँ जैसे लीवर की प्रॉब्लम, लीवर में सूजन की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम मतलब पाचन क्रिया की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम, स्टोमच प्रॉब्लम मतलब पेट की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, पिंपल प्रॉब्लम, और अगर आज की बात करें तो आज भारत में अप्रोक्स 10 लाख लोग, दोस्तों 10 लाख लोग हर साल लीवर की प्रॉब्लम की वजह से जूझ रहे हैं। और फिर हम बात करें सेकेंड प्रॉब्लम की, दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम। आज बहुत से लोग खाते पीते हैं लेकिन वो कहते हैं हमें तो लगता ही नहीं है, वो बहुत सी दवाइयाँ भी खाते हैं लेकिन पता ही नहीं क्यों दुबले पतले ही रह जाते हैं। और फिर हम बात करें थर्ड प्रॉब्लम की, वो है दोस्तों जोड़ों के दर्द। तो आज की जनरेशन का तो हाल ही बहुत ख़राब है, 30 की उम्र निकली नहीं कि जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। और फिर हम बात करें अगली प्रॉब्लम, वो है दोस्तों स्किन प्रॉब्लम। तो दोस्तों, आज की जनरेशन मतलब 21वीं सदी के बच्चे तो स्किन की बहुत ही केयर करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ तो पीछे ज़रूर छोड़ देते हैं जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारी स्किन अच्छी रहे। और हम बात करें अगली प्रॉब्लम, वो है दोस्तों पिंपल प्रॉब्लम। आज हम अपनी बॉडी से ज़्यादा प्यार और कदर करते हैं ना वो फेस से करते हैं, क्योंकि अगर किसी इंसान का अगर फेस खराब हो जाए ना समझो सब कुछ खराब हो जाता है। इसके लिए हम बहुत से प्रोडक्ट यूज करते हैं लेकिन कुछ लोगों की तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है लेकिन कुछ बेचारे ना इसी प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। दोस्तों, क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं इन सभी प्रॉब्लम का जड़ से इलाज? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, इन सभी बीमारियों का इलाज छुपा है एक ऐसे जूस के अंदर जिसका नाम है सीबकथॉर्न विद टर्मिक ऑयल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यही वो जूस है जिसमें इन सभी बीमारियों का इलाज तो है लेकिन ये जूस बहुत सी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद भी करता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आइए हम जानते हैं सीबकथॉर्न जूस विद टर्मिक ऑयल के बारे में। दोस्तों, यह जूस सीबकथॉर्न जूस में हल्दी के तेल को मिलाकर बनाया गया है। दोस्तों, हल्दी को हजारों सालों से स्वास्थ्य लाभ के लिए औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, हल्दी अपनी एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता के कारण यह फ्री रेडिकल को बेअसर करता है और फ्री रेडिकल शरीर के सामान्य कार्यों के दौरान प्रदूषण जैसी बाहरी प्रॉब्लम के दौरान शरीर द्वारा उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, फ्री रेडिकल के कारण हमारे शरीर में सूजन की प्रॉब्लम, जलन की प्रॉब्लम और कैंसर जैसी कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, हल्दी की एंटीऑक्सीडेंट क्षमता से इन गंभीर समस्याओं को रोका जा सकता है और यह माना जाता है कि हल्दी पाउडर हमारे शरीर में पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो पाता क्योंकि इसके अधिकतर औषधीय घटक केवल तेल में घुलनशील होते हैं। इसलिए हल्दी को तेल के विशेष रूप से CO2 में प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है ताकि तेल घुलनशील घटकों के शुद्ध रूप से निकाला जा सके, और इसीलिए सीबकथॉर्न जूस में हल्दी के तेल को मिलाकर बनाया गया है ताकि सीबकथॉर्न जूस के साथ हम हल्दी के तेल को ले सकें ताकि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल के दौरान जो भी प्रॉब्लम होती हैं उससे हमारी बॉडी लड़ सके। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात की थी, जैसे लीवर की प्रॉब्लम, लीवर में सूजन की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम मतलब पाचन क्रिया की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम, स्टोमच प्रॉब्लम और स्किन प्रॉब्लम जैसी बीमारियों के बारे में बात की थी, और यह भी बात की थी कि सीबकथॉर्न भी टर्मिक हमारे लिए मददगार साबित कैसे हो सकता है इन बीमारियों के साथ साथ पेट से संबंधित रोग जैसे अल्जर, कोलोन कैंसर और त्वचा रोग जैसे अगर किसी की फेस पे छाइयाँ हैं या किसी की फेस पे मुहासे हैं तो उन सब चीज़ों में सीबकथॉर्न विद टर्मिक ऑयल जूस हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। यह जूस NABL से सर्टिफाइड है क्योंकि इसमें बहुत से गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 12 प्लस है तो आप एक चम्मच मॉर्निंग में एक गिलास पानी के साथ खाली पेट ले सकते हैं।
अगर आपकी उम्र 18 प्लस है तो आप 2 चम्मच मॉर्निंग में और 2 चम्मच इवनिंग में 1 गिलास पानी के साथ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर हम सीबकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल जूस के साथ अगर हम पंच तुलसी ड्रॉप का कॉम्बिनेशन बनाएं तो हमें इस जूस के साथ यूज करें तो हमें 100% रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, आप अगर इसे यूज कर रहे हैं या यूज करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।